एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने नगर निकाय चुनाव व एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर कहा कि स्नातक निर्वाचन के लिए जो लोग 1 नवंबर 2019 के पहले के स्नातक हैं, ऐसे लोग स्नातक निर्वाचन के मतदाता बन सकते हैं। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव के लिए 7 नवंबर को ही दावा व आपत्तियों का समय समाप्त हो गया है। प्राप्त आपत्तियों का डाटा एंट्री करवाया जा रहा है। 18 नवंबर को इसका अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। पहली सूचना ये है कि जो स्नातक निर्वाचन के लिए जो लोग 1 नवंबर 2019 के पहले के स्नातक हैं, वे लोग इसमें हमारे जो 17 जनपद हैं, 3-4 मंडलों के लोग हैं, ये लोग इसके सदस्य बन सकते हैं, मतदाता बन सकते हैं। इनके लिए अभी एक बार पुनः तिथि ओपन होगी और उस समय ये लोग अपना मतदाता बन सकेंगे। नगर निकाय निर्वाचक नामावली अभी 7 नवंबर को उसके दावे और आपत्तियां लेने की तिथि समाप्त हो गई है। अब उनकी डेटा एंट्री कराई जा रही है। 18 तारीख को इसका अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। तो अब उसमें आम लोगों को या निवासियों को उसमें नहीं करना है, उसमें अब जो भी कार्य है कार्यालय को करना है। कार्यालय द्वारा कार्य किया जा रहा है और ड्यू डेट के पहले अर्थात 18 नवंबर के पहले मतदाता सूची तैयार हो जाएगी और 18 को उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।